राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई देखने को मिल सकती है। बीकानेर में जहां एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, जिनके साथ देवी सिंह भाटी खड़े हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के साथ कार्यकर्ता हैं। हालांकि हर समय भाटी ने केंद्रीय मंत्री मेघवाल को चुनौती दी है, लेकिन इस बार फिर से भाटी चुनौती दे रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी की सियासत गर्मा गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राज्य में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जोड़ तोड़ के साथ ही रूठों को मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस कड़ी में पिछले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से बागी हुए पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के भगवा दल में शामिल होने की चर्चाओं के बीच बड़ा बयान सामने आया। हालांकि बीकानेर जिले में भाटी बीजेपी के होते हुए भी अपनी सियासी लड़ाई केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से लड़ रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी भाटी ने मेघवाल का विरोध किया था, लेकिन एक बार फिर उनके बीजेपी में शामिल होने की बात चल रही थी। लेकिन इस बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। पहले आप भाटी का बयान सुन लीजिए। मैंने पार्टी छोड़ी है, कोई संबंध किसी से खत्म नहीं किए, और दूसरा ये है कि मैं कांग्रेसी विचारधारा का तो बिल्कुल नहीं हूँ, और जो हमारे साथ रही हमारी लीडर रही है वो आए, कार्यकर्ता भी उसी जोश से आए, और यही मैंने उनको कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग यहाँ बीकानेर में देशनोक में सब जगह स्वागत करो। ये ना सोचे कोई कि आज मैं पद पर नहीं हूँ इसलिए कोई मेरे पास मिलने नहीं आए। वो तो विरोध रहेगा ही, वो खत्म थोड़ी हो गया, किस कारण से दिया था वो तो रहेगा। ये अब आगे समय की बात है, वो पार्टी जाने, उनका निर्णय जाने, और जो आगे समय आएगा तब बताएगा, और बाकी हम तो संघर्ष जारी रखेंगे। देवी सिंह भाटी के बयानों से स्पष्ट है कि वो बीजेपी में आ तो जाएंगे, लेकिन उनका सियासी मुकाबला मेघवाल से ही होगा। मेघवाल और भाटी दोनों ही बीकानेर जिले में सक्रिय हैं। हालांकि भाटी के भगवा होने की खबरों को बल तब मिला जब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीकानेर कार्यक्रम की जिम्मेदारी भाटी को दी गई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री यूनुस खान और राजपाल सिंह आदि ने देशनोक में भाटी के साथ इस यात्रा के संबंध में मीटिंग्स की थी। इसके बाद तय हो गया कि भाटी इस दौरान पार्टी में शामिल हो जाएंगे। प्रदेश बीजेपी की ओर से इस बारे में अब तक कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं होने के चलते अधिकृत तौर पर पार्टी में शामिल होने पर संशय है। राज्य के कार्यक्रम के लिए पार्किंग स्थल भी टीम देवी सिंह भाटी ने तय किए थे, लेकिन अब भाटी का बयान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को खुली चुनौती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पूनिया चाहे पार्टी में एकजुटता की बात भले ही कह रहे हो, लेकिन राज्य के बीकानेर दौरे से आपसी टकराव साफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।